और इस छोरी में मैं हूँ निलिशा और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ बड़ा ही आसान सा DIY। वैसे तो हमेशा आप लोग के लिए आसान से DIYs ही लेकर आती हूँ। सो आज का DIY होने वाला है काफ्तान कुर्ती DIY। इसे बनाना बहुत सिंपल है। इवन यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो हैं काफ्तान कुर्ती से रिलेटेड। नो स्यू बनाते हैं कुछ लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। सो ऐसे जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, तो शायद ये मेरा 4th या 5th वीडियो था काफ्तान कुर्ती DIY का। सो आप लोग ने ये वीडियो बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया, इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए रिक्रिएट करूँ एक काफ्तान कुर्ता। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर चैनल पर नए हैं, मुझे देख रहे हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ इस तरह के काफ़ी सारे आसान से DIY। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मेरा पुराना दुपट्टा, इसी के साथ बनाऊंगी काफ्तान कुर्ती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कर लेंगे डबल फोल्ड। इसे डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से अपने काफ्तान कुर्ती की लेंथ मेज़र करूँगी। मुझे मेरे काफ्तान कुर्ती की लेंथ चाहिए 40, सो मैं यहाँ से इसे 40 इंच पे मार्क कर लूँगी। लेंथ मार्क कर लेने के बाद में बाकी का बचा हुआ फैब्रिक कट करके सेपरेट कर लेंगे। अब इसके ओपन साइड को बीडेड पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हम जब भी नेक की मार्किंग करें, कटिंग करें, तो फैब्रिक यहाँ वहाँ खिसके ना। ओपन साइड को बीडेड पिन से सिक्योर कर लेने के बाद में अब हम आते हैं फैब्रिक के फोल्डेड साइड पे। अब फैब्रिक के फोल्डेड साइड से इस तरह से मेजर करते हुए इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। सो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। अब इसके मिड पॉइंट से 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। सेम इस तरफ भी मीड पॉइंट से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। सो ये होगी हमारे नेक की चौड़ाई। अब पहले बैक नेक की मार्किंग करेंगे। सो मुझे मेरे काफ्तान का बैक नेक चाहिए 3 इंच, सो मैं यहाँ से इसे 3 इंच पे मार्क कर लूंगी। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक राउंड शेप बना दूंगी। सो ये होगी हमारी बैक नेक लाइन। इसे कट कर लेंगे। बैक नेक लाइन कट करने के बाद में अब हम आते हैं काफ्तान कुर्ती की फ्रंट नेक लाइन पे। सो मुझे मेरी काफ्तान कुर्ती का फ्रंट नेक चाहिए 5 इंच। यहाँ 3 इंच मैं ऑलरेडी मार्क कर चुकी हूँ, सो यहाँ पे 2 इंच इंक्रीज करके एक मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगेन एक राउंड नेक बना लेंगे। सो ये होगा हमारे काफ्तान कुर्ती का फ्रंट नेक। अब फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। रिमेंबर, फ्रंट नेक की कटिंग के लिए सिर्फ हमें फैब्रिक की ऊपर वाली लेयर कट करनी है, नीचे वाली लेयर कट नहीं करनी है। फ्रंट और बैक दोनों नेक कट हो जाने के बाद में अब इसे अंदर की साइड में हेम करके फिनिश कर लेंगे। नेक रेडी हो जाने के बाद में अब हम इसके ऊपर एक अच्छी फिटिंग की कुर्ती रखेंगे। अब इस कुर्ती को बराबर में रखते हुए हम हमारे काफ्तान कुर्ती के आर्म होल मेजर करना स्टार्ट करेंगे। काफ्तान कुर्ती थोड़ी सी लूज पैटर्न में होती है, तो यहाँ आर्म होल भी बड़े होते हैं। सो यहाँ से हम आर्म होल 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। काफ्तान कुर्ती के दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है और आर्म होल मार्क कर लेना है। आर्म होल मार्क कर लेने के बाद में हमारी कुर्ती के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से ट्रेस कर लेना है। दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है और 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए इसे ट्रेस कर लेना है। अब हम आते हैं काफ्तान कुर्ती के नीचे वाले साइड में। सो नीचे वाले साइड से ऊपर की तरफ 10 इंच पे मार्क करना है। सो ये 10 इंच तक हमारी कुर्ती नीचे की तरफ खुली हुई रहेगी, यहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है। दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, इसे ऊपर की तरफ लेते हुए 10 इंच पे मार्क कर लेना है, यहाँ हमारी कुर्ती ओपन रहेगी। सो यहाँ साइड से इसे स्टिच कर लेंगे, नीचे की तरफ कुर्ती खुली हुई रहेगी।
रिमेम्बर काफ्तान में हमेशा सिलाई सीधी तरफ होती है, इसे फोल्ड करने की या उल्टी तरफ सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको एज इट इज़ सिलाई करनी है। अब हम आते हैं हमारी काफ्तान कुर्ती के नीचे वाले साइड में। सो ये जो इसका नीचे वाला साइड ओपन साइड है, इसकी बीडेड पिंस निकाल लेंगे और इसे अंदर की साइड में हैम करते हुए फिनिश कर लेंगे आगे पीछे। एंड दैट्स इट, हमारी काफ्तान कुर्ती रेडी है। काफ्तान कुर्ती में और भी काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, सो अगर आप और वेराइटी में काफ्तान कुर्ती बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।